मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले देश में इतना शुभ हो रहा है कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा ले लिया। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार का राहुल गांधी पर तंज, बोले वो अज्ञान के मास्टर श्रीराम उन्हें और कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। सीतारमण ने मोदी सरकार पर किया कड़ा प्रहार, बोले केंद्र सरकार पर गरीबों और अत्यंत गरीबों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। कर्नाटक में इंस्पेक्टर पर भड़के कांग्रेस विधायक आनंद न्यामगौड़ा, बोले हमारी सरकार सत्ता में आई तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर किया वार, बोले कांग्रेस अब भी वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने में व्यस्त है। मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का लगातार 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी है। वहीं हड़ताल को 72 घंटे पूरे होने वाले हैं। बता दें हड़ताल के कारण अब आम जनता को भी तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पानी की किल्लत देखने को मिल रही है तो कहीं बिजली की समस्या पैदा हो रही है। ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर मेरठ से है, वहीं दूसरी कानपुर से है और तीसरी सुल्तानपुर की और चौथी लखनऊ से है, जहां साफ तौर पर बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें चार दौर की बैठक हो चुकी है ऊर्जा मंत्री व कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच। आज पांचवें दौर की वार्ता थोड़ी देर में शुरू होगी। बता दें कि चार दौर की वार्ता हो चुकी है जो विफल रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल पर है। वहीं सरकार लगातार कर्मचारियों को समझाकर हड़ताल वापस लेने का प्रयास कर रही है। बता दें ऊर्जा मंत्री व कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता थोड़ी ही देर में शुरू होगी। लेकिन सरकार का रुख अब देख सकते हैं, पॉजिटिव होना चाहिए, बातचीत तो कोई निगेटिव थोड़ी होती है। आपने क्या रखा अंदर, अपनी क्या बात रखी? देखिए बहुत सी बातें हैं कर्मचारियों के हित में। आप पर भी FIR हो गई है, मुझे मालूम है। अब 749 पे आप पे भी FIR हो गई, मुझे मालूम है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं इस पर हमको तो हमने थोड़ा FIR करवाया। नहीं एक तरफ एक तरफ आपसे बातचीत हो रही है, तमाम पदाधिकारी बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ FIR की सूचना आ रही है, इसको लेकर क्या सरकार? चलिए बहुत और इस खबर पर हमारे संवाददाता सुल्तानपुर से आशुतोष हमसे जुड़ेंगे। आशुतोष, पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारियों का हड़ताल देखने को मिल रहा है और हड़ताल के कारण तमाम तरह की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। आप सुल्तानपुर में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें? जी बिल्कुल, आपको बता दें 14 तारीख से धरना प्रदर्शन बिजली कर्मियों का जो है शुरू हो गया है, जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है मसाल के साथ जो है अपने ये जुलूस निकाल के लोगों प्रदर्शन दिखाया है और ये कैंपस के बाहर भी नहीं गए हैं। कैंपस के बाहर अगर गए होते कोई ना कोई और बड़ा भी प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन जिस तरह इन लोगों की बातें निकल के आ रही है, 14 बिंदुओं को लेकर जो बैठे हुए हैं, ये मांगे पूरी जब तक नहीं होगी तब तक ये सब लोग धरने से नहीं हटेंगे और तमाम तरह की समस्या भी उत्पन्न होती रहेंगी। हम कुछ लोग से यहाँ पे बात करते हैं, जिस तरह यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है उनसे बात करेंगे, क्या क्या है और किस तरीके आप धरना प्रदर्शन को लेकर चल रहे हैं अपने साथ? आपका जो धरना प्रदर्शन चल रहा है किस तरह की समस्या को लेकर चल रहा है, क्या है? देखिए मैं इसके लिए आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। हम लोग नवम्बर दिसम्बर 2022 में जो है जब बहिष्कार किए थे उस समय ऊर्जा मंत्री तथा ऊर्जा के शीर्ष प्रबंधन के बीच, जिसमें माननीय ऊर्जा मंत्री श्री AK शर्मा साहब,
तथा प्रबंध तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार माननीय अवनीश कुमार अवस्थी तथा प्रबंधन की ओर से जो है एमडी यूपीपीसीएल माननीय पंकज कुमार साहब उपस्थित थे तथा हमारे संगठन के भी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। उनके भी 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ था जिसको उन्होंने माननीय मंत्री जी ने जो है 15 दिनों के अंदर क्रियान्वयन करने का भरोसा दिया था। ऊर्जा मंत्री द्वारा जो है तमाम तरीके जो है आदेश आ रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? के संबंध में हमको माननीय ऊर्जा मंत्री जी से सम्मान पूर्वक यही कहना है कि हम अपनी जायज मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे हैं। हमने प्रबंधन को और प्रशासन को पूरा समय दिया, नोटिस दी और संवैधानिक पूर्ण तरीके से हमने अपना आंदोलन चलाया है और ये पूरा शांतिपूर्ण आंदोलन है हमारा। हमारा निवेदन है कि हमारी न्यायोचित मांगों को माना जाए जिससे कि हम सभी लोग कार्य पर पुनः वापस। जिस तरह यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, अगर 14 तारीख से अलग अलग प्रदर्शन आपका चलता रहा, क्या रहा, किस तरह रहा, क्यों रहा? देखिए, हम लोगों ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है 14 तारीख को 3 से 5 यहाँ पर इसी कैंपस में विरोध सभाएं की हैं तथा जो है 6 बजे से 7 बजे के बीच जो है यहाँ से लेकर के जो है तिकोनिया पार्क तक हमने मशाल जुलूस निकाल करके प्रबंधन को सचेत किया है। उसके बावजूद भी प्रबंधन नहीं माना तो 15 तारीख और 16 तारीख दोनों दिन इसी प्रांगण में हमने जो है कार्य बहिष्कार किया तथा 16 तारीख के 10 बजे रात से ये हमारा जो है 72 घंटे का हड़ताल चालू हो गया है जो वर्तमान में अभी भी जारी है। एक आदेश ऊपर से ये भी आ रहा है जो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है उनके ऊपर जो है पाबंदी लगाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये उनका काम है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिलहाल हम अपनी मांगों को उनसे मनवाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या आप लोग जिस वो मांगे उठा रहे हैं जेल जाने के लिए या मुकदमा करने के लिए, क्या इस सब पे क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए प्रबंधन, देखिए सरकार कुछ भी कर सकती है लेकिन फिर भी जो कि हम लोग शांत पूर्वक ढंग से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में जो है अपनी मांगों को मंगवाने का हम लोगों का अधिकार है जो हम लोग शांत पूर्वक तरीके से कर रहे हैं। कितने फीडर इस समय चल रहे हैं, क्या कहते हैं? वर्तमान में हमारे सुल्तानपुर में कुल 35/11 के विद्युत उपकेंद्र है जिसमें से 25 विद्युत उपकेंद्र पूर्णतया बंद है, 15 विद्युत उपकेंद्र आंशिक रूप से चल रहे हैं तथा जो 5 बिजली केंद्र है जो शहर में है जो आप देख रहे हैं वही खाली पूर्णतया संचालित हो रहे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी होती क्या प्रदर्शन कैसे आगे जारी रहेगा, चलता रहेगा? अब देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व वर्तमान समय में भी माननीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में वार्ता चल रही है, यदि कोई सार्थक परिणाम निकलता है जो भी निकलेगा वो जैसा हमको ऊपर से निर्देश मिलेगा उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई को आगे करेंगे। जिस तरह इनका ये कहना हो रहा है ऊपर से आदेश जैसे भी जो कुछ आएगा हम उसी मुताबिक अपना करते रहेंगे। कि ऊर्जा मंत्री और कर्मचारी संघ के बीच लगातार बातचीत हो रही है लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है, आज 5वें दौर की फिर से बैठक होगी, क्या वजह है, कहां सहमति नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, हम आपको बातचीत करते हैं, बताएंगे बिल्कुल इसके बारे में। ऊर्जा मंत्री द्वारा जो बातचीत चल रही है आपकी, कहां से कमियां और कहां से सहमत नहीं हो पा रहे आप? माननीय ऊर्जा मंत्री जी की बातचीत जो चल रही है हमारे शीर्ष संगठन से तो उसमें कुछ बिंदुओं पर वो हमारे सहमत है लेकिन अधिकांश बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पा रही, इसीलिए हमारा ये आंदोलन अनवरत है। जैसे कुछ सुझाव में आप बता सकते हैं कुछ? जैसे ही हम लोग को मालूम चलता है अपने संगठन से हम आपको सूचित करते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरी इन लोग की बातें खुलकर नहीं आ पा रही है लेकिन जो लगातार इन लोग की बातें चल रही हैं वो बातें के मुताबिक जो है खड़े हैं, उसी आधार पे जो है इन लोग का धरना प्रदर्शन यहाँ पे जारी है। आशुतोष, देखा जाए तो आज हड़ताल को 72 घंटे पूरे हो जाएंगे, अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या कुछ एक्शन होगा, जानने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह आपका कहना हो रहा 72 घंटे पूरे हो तो जाएंगे जरूर है लेकिन मांगे जब नहीं पूरी होंगी तब तक इससे ये लगातार इन लोग का धरना चलता रहेगा, चाहे वो व्यापारी से संबंधित हो चाहे किसान से संबंधित हो उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन इन लोग की मांगे अवश्य पूरी होनी है, वो मांगे को लेकर अलर्ट पे बैठे हुए हैं, ये इन लोग की समस्या है, ये पूरी समस्या को लेकर इस तरह जो है जब तक बैठे रहेंगे जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी हो जाएंगी। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। बता दें बिजली कर्मचारी लगातार अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल ऐसे ही आगे चलता रहेगा। खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, खून तो एक ही ना, एक
साफ तौर पर इनका यही कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। बता दें कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों के कारण लगातार आम जनता को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पानी की समस्या देखने को मिल रही है तो कहीं बिजली गुल है, लगातार तमाम तरह की समस्या पूरी हो रही है। बता दें कि आज हड़ताल को 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। वहीं इस पूरे मामले पर चार दौर की बैठक हो चुकी है जो असफल रही है। आज फिर ऊर्जा मंत्री व कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता थोड़ी ही देर में शुरू होगी। ये चार तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरठ, कानपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं, मांगों को लेकर हड़ताल पर है। बता दें ऊर्जा मंत्री व कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता थोड़ी ही देर में शुरू होगी। ये चार तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। 72 घंटे का हड़ताल का ऐलान किया गया था जो आज 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। बता दें वहीं लगातार ऊर्जा मंत्री कर्मचारी संघ से बातचीत कर रहे हैं। सरकार लगातार कर्मचारियों को समझाकर हड़ताल वापस लेने का प्रयास कर रही है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। लगातार विद्युत कर्मचारी संघ और सरकार के बीच वार्ता हो रही है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। बता दें बिजली कर्मी और मेरठ से हमारे संवाददाता राजन सोनकर हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, बिजली कर्मचारी अपने 14 सूत्रों मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, आप मेरठ में मौजूद हैं, आपके पीछे तमाम लोग नजर आ रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश करें। देखिए मयूरी, बिल्कुल हम एक हड़ताल की जगह पर हैं जो मेरठ के ऊर्जा भवन पर चल रही है और 72 घंटे की हड़ताल है। और आप तमाम कर्मचारी देखिए जो बैनर लेकर अपनी मांगों को लेकर, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो बैनर दिखाएं, कि बैनर को लेकर यहां पर अपनी मांगों को दर्शा रहे हैं कि जो उनकी सरकार से मांगे हैं, मांगों को लेकर यहां पर कुछ कर्मचारी हैं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं। कर्मचारी आप यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं, 72 घंटे की हड़ताल है, सरकार ने कई लोगों को बर्खास्त भी कर दिया है, FIR भी दर्ज कर दी गई है, क्या कुछ मांगे, क्या कुछ करना? नहीं, हमारा अभी अनवरत संघर्ष जारी रहेगा जो हड़ताल का कार्यक्रम है, क्योंकि कल से आज तक भी माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ हमारी संगठन की संघर्ष समिति की वार्ता चल रही है, लेकिन वार्ता आज भी विफल हो गई है। तो जैसा कि हमारे जो हम लोगों ने नोटिस किया था, उसका स्पष्ट विचार ये हम लोगों ने इंगित कर दिया था कि अगर हमारे किसी भी कर्मचारी के अनुसार कोई कार्रवाई तो हम लोग संघर्ष अनुरोध जारी रहेगा, जो हड़ताल है अनुरोध 72 घंटे के बाद भी जारी रहेगा, तो जो हमारा हड़ताल का कार्यक्रम है अनुरोध जारी रहेगा 72 घंटे के बाद। सरकार का FIR दर्ज मान लिया है, मुक्त समझौता नहीं है, अगर सम्मान के रूप समझौता सरकार तो FIR भी कर रही है, कई लोगों को बर्खास्त भी कर रही है, चेतावनी दे रही है, हमने समझाया भी, हमने तो 40 साल नौकरी करने में बहुत देखा है, सरकार कांग्रेस की देखी, सपा की देखी, बसपा की देखी, सारी सरकार देखी है और ये तो सब धमकी है, डीजल भर्ती है, देखते रहते हैं जी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो कर्मचारी है उनका यही कहना है, वो अधिक है आपने अपनी मांगे बनवाने के लिए, सरकार आपकी मांगों को जब मान चुके हैं तो ऐसे लागू क्यों नहीं कर रही है? हमें तो उन्हीं से पूछूंगा, हम थोड़ी बताएंगे, उनका ही तो रह गया, हमारा भी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं 72 घंटे के, सरकार अब पार पार की लड़ाई में आपकी सरकार से और सरकार भी आपके बिल्कुल मात मानने को तैयार है, क्या कुछ करने वाले हैं? पार पार की लड़ाई तो वही बात है, हम लोग ऐसे वार्ता हो रही है, कल से वार्ता हो रही है, वार्ता से बिंदुओं का कर ही नहीं रहे, वो तो विक्टिमाइजेशन पे वार्ता करते हैं, हम आपके साथ सस्पेंशन कर दिए, हमने आपको बर्खास्त कर देंगे, हम आपको फायर कर देंगे, धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, जो आप उनका समझौता किया होगा 3 दिसंबर को उसको मुकर रहे हैं, उसमें धोखेबाजी कर रहे हैं और ऊपर से दबाव बना रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, जो भी कह रहा है।
उपभोक्ता परेशान है, जनता परेशान है उत्तर प्रदेश की। ये माननीय मुख्यमंत्री वो माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा किए हुए हमारा कोई रोल नहीं है। कई घंटे बिजली बिल ले रही है, प्रदेश बनने चले जगह और फायदे भी हो रहे हैं, आम जनता को परेशानी भी हो रही है, इस हड़ताल से काफी चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। हमने अगर हम अचानक गए हो, हमने आज ही कह दिया हम आज से हड़ताल पर बैठे, तो हम दोषी है। हमारा सितंबर महीने का नोटिस है, हमने तो सितंबर में अवगत करा दिया था कि हमारी ये मांगे भी नहीं है, मैं मांगे भी नहीं कहता उसको, ये समस्या है जो मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट की गई है, उनका समाधान हो जाएगा तो ये विभाग बहुत अच्छा चलेगा, वो हमारी मांगे हैं। तो समस्या जो क्रिएट की गई है मैनेजमेंट के द्वारा वो है। अब उसमें सहमति बन गई थी 3 दिसंबर 2022 को, उसे मुकर रहे हैं, उसमें इनके दस्तखत है माननीय मंत्री जी के, हमारे प्रबंध निदेशक अध्यक्ष के दस्तखत है, यूपीपीसीएल के, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। धोखा तो उन्होंने दिया ना, हमने कुछ नहीं करा, अब भी धोखा दिया है, धोखे पे धोखा दिया जा रहा है। कल से वार्ता पे वार्ता हो रही, कई दौर की वार्ता हुई, 3 घंटे की वार्ता हुई, आज फिर बुलाया सुबह 1-1.5 घंटा बाहर बिठा के रखा उन्होंने। ये तो मतलब तानाशाही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, धोखा है सर। 8,000 में आप कर्मचारी से काम ले रहे हो, बताओ 8,000 रुपए में बिजली खम्भे पे चढ़ रहा है, जान दे रहा है वो, और वो कह रहा है की मुझे नियमित कर दो, क्या गलत कह रहा है वो? उसमें आप सहमति बन गई थी क्या, हम 24,000 रुपए 8,000 की जगह, गलत है क्या वो? सहमति उनके द्वारा बनाई थी ना, धोखा वो दे रहे हैं पब्लिक को, धोखा वो दे रहे हैं पब्लिक को, प्रतिनिधि वो करते हैं, वो MP है, MLA है, ऊर्जा मंत्री है, वो एक 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 उसका जनता का लिए दो से वो है, जवाब दे उनको। हड़ताल कब तक चलेगी? चलती रहेगी तो अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगी। भाई जिस तरह से दमन कर रहे हैं, दमन के साथ, अगर दमन के साथ वो हमारे आंदोलन को दबाना चाह रहे हैं तो हम बिल्कुल बर्दाश्त करें। यहाँ पे एक एक आदमी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा है, कल पूरी रात हम 11 बजे तक इंतजार करते थे और आज भी सुबह से डटे हुए हैं। जैसे ही हमारी संयुक्त संघ समिति का आदेश निर्देश हमें प्राप्त होगा, सभी लोग एक साथ चल के गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। वो सबको सस्पेंड कर दें, सबको बर्खास्त कर दें, या सब लोग तैयार बैठे हुए हैं, सुबह से डटे हुए हैं, लेकिन दमन करने की स्थिति है। आप ये समझिए, हमारी जो असलियत में मांगे हैं उनको मानने को समझने को तैयार नहीं है। माननीय मंत्री जी बार बार वादा के लिए बुलाते हैं लेकिन कहीं कोई किसी तरह निस्तारण नहीं कर पा रहे, तो किस लिए वादा के लिए बुला रहे हैं अगर वो निस्तारण नहीं कर पा रहे हैं? मेरा तो अपील करूंगा माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हस्तक्षेप करें, वो कहीं ना कहीं संयुक्त संघर्ष समिति को बुलाएं, उनके साथ सीधी वार्ता करें और कहीं ना कहीं समाधान निकालें। क्योंकि देखिए जनता परेशान है, यहाँ भी हर प्रत्येक कर्मचारी यहाँ बैठा हुआ है, वो काम करने के लिए बैठा है, मजबूरी में हम लोग दरी पे बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर सस्पेंड करके किसी को गिरफ्तारी करके अगर काम चलाना है तो इस तरह से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा प्रत्येक यहाँ पे कर्मचारी जो है गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा है। यही कहना कि बिजली कर्मचारी वही है जिन्होंने कोरोना काल में 24 घंटा बिजली प्रोवाइड किया। पूरा कोरोना काल में अगर बिजली कर्मचारी अपने ईमानदारी से काम नहीं किया होता, शायद कोरोना का जो महामारी थी वो बहुत ज्यादा विस्तार हो। यही वो ईमानदार लोग है, यही वो कर्मठ लोग है जिन्होंने अपनी जान हथेली पे लेकर काम किया। जब पूरा भारत बंद था उस समय गुजरात विभाग थे जिसे बिजली विभाग अग्रणी रहा, तो हॉस्पिटल भी चलाया, जनता को बिजली 24 घंटा दिया, जनता घर में पड़ी रही। तो आज इसी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय ने आवासीय भी दिया था कि 24/7 बिजली जो विभाग बिजली को आपूर्ति किया। आज ऐसा कौन सा दिन आ गया कि हम निकम्मे घोषित हो गए? दूसरी बात, हमने कोई भी मांग नहीं रखी है, हमारी उसमें कोई भी मांग नहीं है। पहले के शासन आदेश निकालेंगे आप, तो जो 14 मांगे हैं, 14 मांगों में जो मुख्य मांगे दो चार है, जो बेहतर जितनी बात बोले हम कर्ज में है, इसमें है, घाटे में है, वो पहले दे रहे थे। जब सेवन पे कमीशन आया वो पे स्केल बनी, वो पे स्केल में इन्होंने जान बूझ के तोड़ मरोड़ के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ वादाघात किया। हमने कोई मांग नहीं, हमारी कोई ऐसा नहीं है कि जो मांग जो चीज दे देंगे इसमें वित्त भार पड़ेगा, कोई वित्त भार नहीं पड़ेगा। ये जान बूझ के परेशान करने वाली बात है, क्योंकि वो पहले से मिल रहा था, हमारी कोई मांग नहीं है। पब्लिक में ये गलत मैसेज जा रहा है कि ये पैसा मांग रहे हैं, वेतन भरवाना चाहते हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हमारी बस एक ही मांग है, जो हमें मिल रहा था वो हमारा ड्यूटी है, उसमें कोई फेर बदल ना हो। लेकिन शासन उसमें जब सेवन पे कमीशन आए तो उसने देश के स्लेब बना दिया, स्लेब में जान बुझ के इन्होंने उसमें उलट फेर किया, जिससे
कर्मचारी की मतलब ये समझे कि नॉर्मल का PG2 है तो उसकी मतलब सैलरी का लास्ट में अगर जाए तो लास्ट में जब रिटायर हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे बहुत ज्यादा नुकसान मिलती है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अब कोई मांग नहीं करते, बस हमारी सरकार से यही मांग है जो हम काम करने वाले लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, विभाग चलना से प्रदेश की भी औद्योगिक जो इकाई लाए हैं TG20 का जो इन्होंने विस्तार किया है, अगर जो माहौल इस समय प्रेजेंट टाइम में दे रहा है तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, समन्वय समिति में वैसे लोग हैं जो काम करने वाले लोग उस विभाग को उन्नति की ओर ले गए, प्रदेश को भी उन्नति में ले गए हैं। तो मैं बस यही अपील करूंगा कि वो हस्तक्षेप करें और इस कार्य बहिष्कार को हड़ताल को वापस कराए और कर्मचारियों को जो भी उनकी मांगे हैं रखा है। राजन, ऊर्जा मंत्री और कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता थोड़ी देर में शुरू होगी। वार्ता इससे पहले भी हुई लेकिन वो असफल रही, एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है, तो क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है आगे? चार दौर की पहले हो चुकी है वार्ता। देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्स है, माननीय मंत्री जी हमारी मांगों को माने और समझौता हो, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। हम बार बार वही बात कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है जो 3 दिसंबर को मान ली गई थी, भाई संयुक्त संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी बैठे थे, माननीय मंत्री जी बैठे थे, MD साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी सोच समझ के कहीं ना कहीं मांगों को माना था। आज की डेट में वो क्यों उससे पिछड़ रहे हैं, क्यों अपनी बात से पिछड़ रहे हैं? वो कहीं ना कहीं संयुक्त संघर्ष समिति के साथ जो उन्होंने समझौता किया था उसके साथ धोखा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ मजबूर हुए। देखिए, कार्य बहिष्कार के बाद हमें हड़ताल पे आना पड़ा। हड़ताल पे हम क्यों आए? हड़ताल पे आना हमारा मजबूरी थी क्योंकि हमारे कई पदाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको टर्मिनेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, कई संविदा कर्मियों को बाहर कर दिया है नौकरी से, तो ये हड़ताल जो है और बढ़ेगी और स्थिति को खराब होगी, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और मैं पुनः अपील करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो सीधे सीधे हस्तक्षेप करें और कहीं ना कहीं समझौता करें। इसलिए जगह जगह क्षेत्र में बाधित हो गई है, परेशानियों का सामना जनता को करना पड़ा। क्या यही एक विकल्प है कि हड़ताल करके ही सरकार से अपनी बात मानी होते? देखिए, ये जो हड़ताल है या कार्य बहिष्कार जो हमारा था, हम पूर्व में नोटिस दे चुके हैं। अगर इस तरह की समस्या थी तो प्रबंधन क्या कर रहा था? प्रबंधन ने तैयारी क्यों नहीं की जबकि उनको संज्ञान में था कि सब लोग जो है बैठ जाएंगे? प्रबंधन का फेल्योर है इसमें, इसमें विभाग के कर्मचारियों का या अधिकारियों का कोई फेल्योर नहीं है, केवल प्रबंधन का फेल्योर है। उन्हें पहले से तैयारी करनी चाहिए। जब आपको पता है कि आपके देश का अटैक होने वाला है तो आप सेना लगाएंगे, घर बैठा देंगे? आप पहले सेना लगाएंगे, आप तैयारी करेंगे, तो वो क्यों नहीं की गई? यही इसका है। अगर जनता परेशान है तो जनता की भी हक की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि जो आने वाली हमारी नस्लें हैं वो भी नौकरी करेंगी, ये उनकी भी लड़ाई है, ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, जितने भी लोग इस विभाग से जुड़ेंगे। राजन, बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बता दें, बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल कर रहे हैं। 72 घंटे का बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया था, वहीं आज बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के 72 घंटे पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया और अयोध्या पहुंचते ही सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर श्री राम लला की पूजा अर्चना की। बता दें, पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों की भौतिक प्रगति भी देखी और निर्माणाधीन राम जन्मभूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान संस्था के इंजीनियरों ने उन्हें मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। इसके बाद सीएम योगी ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कहा कि भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए और जल्द से जल्द मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा किया जाए। आपको बता दें, इस दौरान अयोध्या में वरिष्ठ अधिकारी व जन प्रतिनिधियों ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
राम की नगरी अयोध्या सीएम योगी पहुंचे थे, जहां हनुमानगढ़ी में सीएम योगी ने हाजिरी लगाई, वहीं दूसरी राम मंदिर में पूजा अर्चना की है सीएम योगी ने, वहीं तीसरी तस्वीर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया है सीएम योगी ने। राम जन्मभूमि पहुंचकर पूजा अर्चना की है, दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, वहीं तीसरी तस्वीर में निर्माण कार्यों का जायजा लिया है सीएम योगी ने। बता दें कि सीएम योगी सुबह से ही अयोध्या में है, 5 घंटे अपना वक्त देंगे अयोध्या में सीएम योगी। इसके बाद 4:40 पर सीएम योगी लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अपने मेरठ दौरे पर रहेंगी, जहां वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगी और महिला सशक्ति पर आधारित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। इसके बाद राज्यपाल CCS विश्वविद्यालय पहुंचेंगी, जहां वह विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। वहीं राज्यपाल राजकीय कॉलेज के प्रधानाचार्यों के साथ भी बैठक करेंगी। बता दें महिला सशक्ति पर आधारित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ के दौरे पर हैं आज, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। बता दें आनंदीबेन पटेल मेरठ दौरे पर हैं आज। और इस खबर पर मेरठ से हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ेंगे। राजन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज अपने मेरठ दौरे पर हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? देखिए मयूरी, आज सुबह 11 बजे महामहिम उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ पहुंची हैं, और मेरठ पहुंचने पर मोतीपुरम रोड पर एक कृषि यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये पहुंची है, महिला सशक्तिकरण का एक कार्यक्रम था, ये वहाँ पर शिरकत किया है उन्होंने। अब इसके बाद 2 बजे का कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पर पहुंचकर वहाँ पर शिरकत करेंगी। और बताया जा रहा है कि CCS विश्वविद्यालय में एक प्रदर्शनी है, जिसका ये उद्घाटन करने पहुंच रही है महामहिम आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, और उसके बाद में राजकीय कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ ये बैठक भी करेंगी, जो जानकारी अब तक मिली है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से। और उसके बाद ये शाम को आज रात यही विश्राम करेंगी सर्किट हाउस में। बताया जा रहा है कि कॉलेजों में उद्घाटन, ये प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, और उससे पहले अब कृषि विश्वविद्यालय रुड़की रोड पर ये वहाँ पर एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, जिसमें शिरकत करने पहुंची है, महिलाओं को कुछ मूल मंत्री भी देंगी राज्यपाल, और यहाँ तक कि पार्टी के पदाधिकारियों से बैठ के बातचीत भी करने की बात सामने आ रही है। अभी फिलहाल वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होने वाली है कुछ ही देर में, और वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी का वहाँ पर उद्घाटन करेंगी। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जिसे अभी कुछ ही दिन पहले NEC में A++ ग्रेड भी मिला था। जी राजन, जैसा कि आपने बताया तमाम कार्यक्रम में राज्यपाल शिरकत करेंगी, तो कार्यक्रम में तैयारियां कैसी देखने को मिल रही है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए हैं? देखिए जैसे ये कार्यक्रम पुलिस और प्रशासन को पता चला शासन की तरफ से कि महामहिम राज्यपाल आने वाली हैं, उसको लेकर पुलिस बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, जगह जगह चेकिंग की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाकर लोगों से पूछताछ की जा रही है, और जिस रास्ते से आनंदीबेन पटेल आने वाली हैं और जाएंगी उस रोड को बिल्कुल खाली करा दिया गया है, वहां जाम की कोई स्थिति नहीं है, बल्कि मेरठ में कोई अगर नेता आता है तो उससे पहले जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन जब राज्यपाल के आने की सूचना मिली तो जाम को बिल्कुल क्लियर करा दिया गया, चौराहे पर पुलिस की ड्यूटी बढ़ा दी गई, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए गए, लोगों से पूछताछ की जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है। और वही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरा जो राज्यपाल का जो कार्यक्रम है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, किसी प्रकार की कोई पुलिस और प्रशासन की तरफ से कमी नजर नहीं आ रही है। जी जी धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। बता दें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मेरठ के दौरे पर हैं, जहां वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, और कार्यक्रमों को देखते हुए बेहतरीन तैयारियां की गई हैं कार्यक्रम को लेकर, वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
कानपुर में आज भाजपा पिछड़ा वर्ग की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में 3 सत्र होंगे। तीसरा सत्र राजनीतिक होगा। बता दें कि उद्घाटन सत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हिस्सा लेंगे, तो वहीं समापन सत्र में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा 6वें सत्र में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी हिस्सा लेंगे। पिछड़ा वर्ग की बैठक कानपुर के तिलक नगर के होटल विजय विला में आयोजित होगी। तो निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन होगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बता दें कि उद्घाटन सत्र में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। निजी होटल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, आपको बता दें। और इस खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, कानपुर में आज भाजपा पिछड़ा वर्ग की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है इसमें? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो बैठक अभी फिलहाल चल रही है, और बैठक में केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद है, साथ ही परिवहन मंत्री दयाशंकर जी भी मौजूद है। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से अगले साल 2024 के लोकसभा के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी कमर कस ली, अपनी कमर कसने के साथ में पूरी तरीके से जोर तोड़ से लग चुकी है, जिसके तहत कानपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिस प्रोग्राम में डिप्टी सीएम मौजूद थे। डिप्टी सीएम ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधित में उन्होंने बोला भी है कि 2024 को जो उत्तर प्रदेश के चुनाव है, 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का पूरा टारगेट है। इसके अलावा बता दूं कि जिस अभी बंगाल में अखिलेश यादव ने बंगाल में जो इनका राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उसमें बोला था कि हम उत्तर प्रदेश में 50 सीटें जीतेंगे, तो उस पर एक तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है कि 50 में से वो आगे से 0 हटा दे, सिर्फ 5 सीटें जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं कानपुर में जो ये अधिवेशन चल रहा है, उसमें पूरी तरीके से लोगों में उत्सुकता देखी है, और जितने भी कार्यकर्ता थे पूरी तरीके से मोटिवेट थे। कहीं ना कहीं जो केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी वाणी दी है, वाणी के बाद कहीं ना कहीं लोगों में और उत्साह आया है, पूरा 80 में से 80 चुनाव जीतने की दावा कर रहे हैं। जी धन्यवाद अनिल तमाम जानकारियों के लिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का कहर देखने को मिला। बता दें 27 साल से रह रहे एक परिवार के मकान पर बिना सूचना दिए जिला प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा के बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए 27 साल पहले एक परिवार द्वारा खरीदे गए मकान को बुलडोजर से ध्वस्त करते हुए जमींदोज कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार सहित आसपास के लोगों में जिला प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्रवाई से लेकर सवालिया निशान खड़े करते हुए लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर आक्रोश जताया। मोहम्मद वाहिद, ये जो मकान टूटा किसका है? ये हमारा ही है। किस जगह पर है? ये अलादपुर नीबरी के अंदर। थाना कौन सा लगता है? रोरा पर। आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी मकान तोड़ने से पहले? नहीं, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिना इन्फॉर्मेशन के तोड़ा है? यस। तो ये किस जमीन बताई जा रही है? ये हमारी जमीन है। कब ली थी आपने? हमने 1997 में ली थी। अच्छा, पावर टाउनी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे। तो इस पर कोई केस वगैरह भी चल रहा है? केस वगैरह पहले नहीं चल रहा था, अब हमने न्यायालय में केस डाला है इस पर। ये तोड़ फोड़ के हमारे पापा को जेल भेज दिया, पापा को जेल भेज दिया गया। उसके बाद हमने पापा के आने के बाद हमने न्यायालय में केस डाला है। अध्यक्ष बेला की भानु संगठन से, और मैं जब यहाँ पर आई थी तो यहाँ पर लोग सब रहते, एसडीएम और इंस्पेक्टर साहब, सीओ वगैरह सब लोग थे। जब बुलडोजर चल रहा था आगे इनका, जब मैंने इनसे पूछा कि बुलडोजर चल रहा है और चलवा रहे हो तुम, तो आपके पास कोई कार्रवाई है? आप कुछ कागज लेकर आए हो कि बुलडोजर चलवाएं? किसी गरीब पे, मुसलमानों पे चला रहे हो यहाँ पर? कि मैडम आप हट जाइए, ये हमारे पास क्या टाइम रहा होगा बुलडोजर चलने का? 8:30 का टाइम है। तो मैंने, ये क्यों चलवा रहे हो भाई? ये तो मुसलमानों की जायदाद है, कोई फिर। मेरा साबरा नाम है। साबरा, ये मकान किसका है? टूटा है शमसुद्दीन का। किसने तोड़ा है? क्या है पूरा? शमसुद्दीन जानवर पर दोनों है। आपने कैसे लिया था, क्या बताया? पैसे धन सिंह से खरीदा है हमने, 27 साल पुराना है। आप पैसे वगैरह आपने किसको दिए थे? शमशाद प्रधान को। इसमें कहाँ का है प्रधान? नीबरी का है प्रधान जी, यहीं का, अल्लादपुर लगा है। पति क्या पूरा है मामला बताइए आप। उसमें वोट लगा, इसमें इन्होंने डीलरों ने वोट लगवाया
और वोट उखरवाया, हमसे 9 लाख रुपए लिए। संसद प्रधान संपत्ति को कुर्क किया गया था। यह संज्ञान में आया कि उक्त संपत्ति पर किसी के द्वारा अनधिकृत निर्माण किया गया। SHO खैर उसके रिसीवर थे। पुलिस विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि उसमें किसी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वह अवैध निर्माण हटा दिया जाए। आज उस अवैध निर्माण को हटा दिया गया। अलीगढ़ में 128 सहकारी समिति के चुनाव में 91 समितियों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। वहीं 33 समितियों पर भारी पुलिस सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक वोटिंग कराई गई। बता दें, वोटिंग के दौरान मतदाताओं ने अपने कामकाज छोड़कर मतदान किया, जिसके बाद चुनाव का रुझान आने पर जीते हुए प्रत्याशियों में हर्ष की लहर दौड़ गई और जीते हुए प्रत्याशियों का फूल मालाओं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। ये चुनाव सोसाइटी का चुनाव हुआ है और कोऑपरेटिव सोसाइटी का चुनाव हुआ है और डायरेक्टर का चुनाव हमने जीता है साहब। जीतने के बाद में आगे अध्यक्ष का चुनाव होना है। जी, तो आपको क्या लग रहा है अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ेगा? अध्यक्ष की पूरी दावेदारी है हमारी, पूरी तरह से दावेदारी है हमारी। चुनाव को जीत को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश ये देंगे, मेरी जीत नहीं है, पूरी जनता की जीत है। जितनी मेरे जैसे के साथ लोगों ने इतनी मेहनत से जो है वो किया है, तो मैं उसको जिंदगी भर भुला नहीं सकता हूँ। कितने टोटल वोट पड़े और कितने से आपने जीते? चुनाव चिन्ह चुनाव क्या रहा था? कोऑपरेटिव चुनाव हो सहकारी, तो किस पद पे चुनाव लड़े थे आप? डायरेक्टरी क्या रुझान रहा है? रुझान हमारी पक्ष में रहेगा। कितने वोटों से जीत हुई है? 22 वोटों से। पब्लिक का किस तरीके से ना पब्लिक, मेरी जीत का चुनाव पब्लिक की जीत है। आगे की क्या तैयारी है? आगे की तैयारी ये है कि अध्यक्ष की देखो, पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पब्लिक की जीत है, मेरी कोई जीत ना है। पब्लिक की जीत है? हाँ, मेरी कोई जीत ना है। आगे पब्लिक सपोर्ट करेगी तुम? हाँ, अगर चुनाव लड़ेंगे तो पब्लिक के पक्ष में रहेंगे? हाँ, पब्लिक के पक्ष में रहना है। आजीवन हम पे का चुनाव पब्लिक ने हमें जीता है, हमारे भैया बनने में सब। प्रवीण कुमार निवासी ग्राम कठेरा, पिताजी का नाम श्री गोविंद गिरी। आज किस चीज का चुनाव हुआ और क्या परिणाम हुआ? आज मैं सहकारी समिति लिमिटेड अकरावास से एक डायरेक्टर का चुनाव लड़ा और अपने जीवन में पहला चुनाव है मेरा। तो क्या रुझान? और रुझान ये है कि जनता ने मुझे पूरा समर्थन दिया और दूने वोट से मेरी जीत हुई। कितने वोट? लगभग 42 वोट से जीत हुई है मेरी। इसको लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता के लिए मैं हमेशा आभार रहूंगा। अलीगढ़ में नशीले मादक पदार्थों का कारोबार खुलेआम फल फूल रहा है, जहां सड़क किनारे परचून की दुकान के बाहर बैठी एक महिला द्वारा नशीले मादक पदार्थों का कारोबार खुलेआम किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और महिला द्वारा नशीला मादक पदार्थ बेचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद पुलिस वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर महिला को चिन्हित करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलोला मुजाहिदपुर सहकारी समिति के डायरेक्टर पद के लिए बीते 14 मार्च को हुए नामांकन प्रक्रिया को रद्द कराने की मांग को लेकर चुनाव में हिस्सा लेने वाले मतदाता और उनके परिवार के लोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने DMV के त्रिपाठी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंप कर इस नामांकन को रद्द करने की मांग की। और साथ उन्होंने कहा कि जानबूझ कर एक व्यक्ति को जिताने के उद्देश्य से हम लोगों के नामांकन नहीं किए गए, इसलिए हम चाहते हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए यह नामांकन रद्द कर दिए जाए। मेरा नाम अजय पाल सिंह है। कहाँ से आए? मेरा गांव ग्राम नेहड़ा राजपूत, ये पलोला सहकारी समिति में पड़ता है। पलोला सहकारी समिति का पूरा नाम पलोला मुजाहिदपुर है। हमारा गांव नेहड़ा राजपूत, जब दिनांक 14 तारीख को, इसी 14 मार्च को, जब वहां पर समिति के डायरेक्टर पद के लिए, संचालक पद के लिए नामांकन हो रहे थे, तो हम लोग भी वहां पर अपने नामांकन कराने के लिए गए थे। जब हम सुबह वहां पर पहुंचे तो लगभग 10:30 बजे के आसपास जो वहीं पर रहने वाले भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं मदन वर्मा जी,
वो अपने सैकड़ों समर्थकों की भीड़ के साथ नारे लगाते वो वहाँ पर आए और वहाँ पर अच्छा खासा पुलिस फोर्स मौजूद था, पुलिस बल मौजूद था वहाँ पर। तो उन्होंने आकर के उनके नामांकन कराए। उन्होंने इंद्रेश कुमार नाम है मेरा, पति खालसा का रहने वाला हूँ, बताइए। मैं अनुसूचित जाति से जाटा हूँ, मैं अपना नामांकन करा करके जैसे ही वापिस आया, मुझे 3 दिन तक मुझे वो रखा इन्होंने, जो निर्वाचन अधिकारी है, कि तुम्हारी रसीद कट गई। मैंने फोटो स्टेट मैंने करा रख लिए, ना पता इसने द्वेष के कारण मदन वर्मा ने मेरा पर्चा ही गायब करा दिया। मैं ये शिकायत पत्र जिलाधिकारी महोदय जी को देता हूँ और फोन पे आश्वासन देता रहा है कभी तुम्हारी पर्ची कट गई। रिकॉर्ड है मेरे पास उनके शब्द का, निर्वाचन अधिकारी का, लिहाजा मेरा पर्चा उसको दाखिल करा करके मेरे लिए न्याय का प्रबंध किया जाए। अलीगढ़ जिले के अतरौली कस्बा निवासी युवक की मुंबई में ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक 1 महीने पहले ही अतरौली से मुंबई कपड़े के फेरी में काम करने के लिए गया था, जहां कल्याण पहुंचने के बाद रेल की पटरी क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई और युवक की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष डॉक्टर कबीर खान ने मोहल्ला पुख्ता गढ़ी में पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बांधा और हर संभव सहायता कराने का आश्वासन दिया। अमरोहा जिले में स्थित वंकटेश्वरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रांगण में चल रहे 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड कैंप का समापन हो गया, जहां कार्यक्रम में समूह चेयरमैन डॉ. सुधीर गिरी, प्रतिकूलाधिपति डॉ. राजीव त्यागी ने स्काउट एंड गाइड ध्वज को सलामी देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं स्काउट एंड गाइड शिविर के अंतिम दिन छात्र और छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। खबर हरदोई से है, जहां SP राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में यातायात चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत आम जन को यातायात के नियमों का पालन कर दुर्घटना से बचने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने व 3 सवारी न बैठाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही 4 पहिया वाहन चलाने समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना, नशे की हालत में वाहन न चलाने के लिए वाहन चालकों को हिदायत दी गई। वहीं इस दौरान मुख्य रूप से ASP पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक यातायात सहित भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। यातायात नियमों के पालन न करने से, ड्राइविंग से स्टंट करने से तमाम सारी जानें जाती हैं, जो घायल होते हैं, नुकसान होता है। इसी के अभियान के तहत लोगों को आज मेरे द्वारा समझाने का कार्य किया जा रहा है। सब चीज़ें चलान से नहीं होती हैं, लोगों को जो है अगर हिदायत दी जाए, समझाया जाए, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उधर हमारा एक कॉन्स्टेबल है, वो हेलमेट पहन के चल रहा है। ये सब निर्देश हम हमारे द्वारा दिए जाते हैं, तो उसका पालन और अच्छे से किया जाता है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।